हेलो दोस्तों, UPSCL इस पोस्ट का अभी भी एप्लीकेशन भरपाई का काम चल रहा है। साथों साथ इस पोस्ट का सिलेबस कैसा क्या रहने वाला है, साथों साथ एग्ज़ाम पैटर्न और कुछ डिटेल्स लेकर इस वीडियो में बातचीत किया जाएगा। आपको अगर जानना है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा उन सब दोस्तों के लिए जो चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है। उन सब दोस्तों के लिए मेरा कहना है, आप में से जो भी अभी तक इस पोस्ट के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए, और बेल को दबाना मत भूलें। और एक बार धन्यवाद कहना चाहूँगा उन सब दोस्तों के लिए। तो दोस्तों, इस समय आप देख पा रहे हैं एक पेज जो jobsandhan.com का पेज है। तो यहाँ से आपको नीचे जाना पड़ेगा। इस पेज में मैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हूँ। इस पेज में जाने के बाद, नीचे जाने के बाद दोस्तों, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जहाँ पर एक आपके सामने बॉक्स चला आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड नेम जो कि UPSCL, मैंने कहा था आपको वीडियो की स्टार्टिंग में, यानी कि जिसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड बोर्ड की तरफ से इस रिक्रूटमेंट को छोड़ा गया है। पोस्ट नेम जो टेक्निकल लाइन का है। वैकेंसीज की बात किया जाए तो दोस्तों, एक बढ़िया वैकेंसी है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं 4102 वैकेंसीज के लिए इस रिक्रूटमेंट को छोड़ा गया है बहुत पहले ही, जिसका आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल स्टार्टिंग डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया है। सॉरी दोस्तों, बहुत पहले बताया जाए तो झूठ बोला जाएगा क्योंकि आज से करीब 2 दिन पहले इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन का भरपाई का काम बोर्ड से स्टार्ट हो गया है, जो कि अप्रैल 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है। आज का डेट देखा जाए तो अप्रैल 6 तारीख है, जो इसका लास्ट डेट देखा जाए तो अप्रैल 30 तारीख का। यानी कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बहुत जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि लास्ट डेट है 30 तारीख का। ठीक है, तो लगभग आपके हाथों में करीब 25 दिन का है, 25 दिन है आपके हाथों में। तो मेरा कहना यही है, जेतु यह वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, जिसलिए हो सकता है लास्ट की डेट में क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई तो करना चाहते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लास्ट की डेट में मैंने देखा है खुद ही कि वैकेंसी ज़्यादा होने के कारण ब्राउज़र डाउन हो जाता है, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स इच्छा रहते भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, और डिटेल्स देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगा, फिर भी अभी मेरी तरफ से अगर कुछ भी मिसिंग हो जाए तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगा, जिसलिए मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट को भी डाल दूंगा। तो दोस्तों, चलिए नीचे जाते हैं और कुछ डिटेल्स देखने के लिए। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में इस पोस्ट का कुछ जरूरी बातें मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको कहा था। सारी डिटेल्स बताने से क्या होगा कि वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसलिए वीडियो बोरिंग लग सकता है आपको। तो दोस्तों, यहाँ पर और एक जो डिटेल्स मैं देख पा रहा हूँ हेडलाइंस में, आप भी देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो कि इस पोस्ट का, यानी कि UPSCL जो कि टेक्निकल सिलेबस की बात किया जाए तो दोस्तों, इस पोस्ट का सिलेबस कैसे रहने वाला है, एग्ज़ाम सिलेबस सब्जेक्ट जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर नॉलेज एंड पार्ट 1 में कंप्यूटर नॉलेज एंड पार्ट 2 में जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल रीजनिंग। साथों साथ और कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, टेक्निकल नॉलेज। तो कंप्यूटर जो पार्ट 1 में है कंप्यूटर नॉलेज के लिए आपसे 50 क्वेश्चन रहने वाला है, हर एक क्वेश्चन की मान एक करके पूरे 50 मार्क्स में आपको एग्ज़ाम को लिया जाएगा। पार्ट 2 में जो आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज साथ एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए 20% मान पे आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा, एक सब्जेक्ट के लिए रहने वाला है, हर एक क्वेश्चन की मान एक, पूरे 50 नंबर हो जाएगा इस सब्जेक्ट की दौर पे। साथों साथ जनरल हिंदी के लिए 15 मार्क्स और 15 क्वेश्चंस, जनरल इंग्लिश 15 to 15 एंड टेक्निकल नॉलेज के लिए 150 क्वेश्चंस आपको इस पोस्ट के लिए रहने वाला है, हर एक क्वेश्चंस की मान एक और 150 यानी कि 150 मार्क्स में एग्ज़ाम को लिया जाएगा। इसके बाद अगर बात किया जाए तो क्वालिफाइंग मार्क्स इन UPSCL टेक्निकल लाइन एग्ज़ाम
जो क्वालिफाइंग स्कोर यहाँ पर आप देख सकते हैं, पार्ट वन पार्ट टू करके सीरियल नंबर पर करके दिया हुआ है, जो कि 20 आउट ऑफ 50, यानी कि इसके बाद अगर आपको देखा जाए तो 67 आउट ऑफ 200, 33.5%, ठीक है, ये है क्वालिफाइंग स्कोर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखा जाए तो इस पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस, जो एक बढ़िया भी एक महत्वपूर्ण विषय हर एक पोस्ट के लिए होने वाला है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले रिटेन एग्जाम होगा ऑनलाइन टेस्ट में, तो ऊपर में आप देख भी सकते हैं, ऑफ कोर्स देयर हैव टू सम प्रोसेस थ्रू व्हिच कैंडिडेट्स विल बी रिक्रूटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग की इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम रहने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद उसमें जो क्वालिफाई होगा उसके लिए एक स्किल टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, स्किल टेस्ट के बाद आपको इस पोस्ट के लिए चुने जाएगा। अदर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप करके दिया हुआ है, दो स्टेप में। मार्क्स ऑफ पार्ट वन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर नॉलेज विल नॉट बी एडेड इन पार्ट टू एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा सारी डिटेल्स, जिसलिए मैं पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल्स फॉर टेक्निकल लाइन एग्जाम। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट लाइन एग्जाम में रहने वाला है, जनरल नॉलेज, वर्बल रीजनिंग, हिंदी हिंदी लैंग्वेज, साथ जनरल इंग्लिश। एग्जाम सेंटर्स ऑफ द रिटन टेस्ट, आपका एग्जाम सेंटर रिटन टेस्ट का कहाँ कहाँ पड़ सकता है, यहाँ पर कहाँ कहाँ पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिटन टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम विल ओनली बी कैरिड इन वेरियस प्लेसेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ओनली। यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश का दोस्तों के लिए आज का एक खुशखबरी, मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा था, उत्तर प्रदेश की दोस्तों के लिए आज का वीडियो मैंने बनाया है, यानी कि इस पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है आपको उत्तर प्रदेश से ही होना है। साथों साथ एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन फॉलोइंग सिटीज, तो यहाँ पर आपको इस सिटीज आप देख सकते हैं, सिटीज में ही आपको आपका इस एग्जाम सेंटर पढ़ने वाला है, लखनऊ, बरेली, या फिर आप देख लीजिएगा दोस्तों, मैं वीडियो को स्टॉप करके आपको देख लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा बातें करने से क्या होगा, कानपुर, मेरठ, मीरठ, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, तो इससे एग्जाम सेंटर आपका पढ़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए यही तक का हमें इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंचा है। इस विषय में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल जाए तो तुरंत आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कवर दे दी जाएगी। और भी कुछ जो अगर आपको जॉब इन्फॉर्मेशन चाहिए, गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन इस चैनल के द्वारा देते रहते हैं, इस चैनल पर चैनल के द्वारा, अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बेल को दबाना मत भूले। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए यही तक।